हालांकि गीत में दूसरा गा रही थी लेकिन आदेश हुआ है कि कुछ मैटर को चेंज किया जाए, तो गीत को क्षमा नहीं बड़े भैया बदल रही है, क्षमा कीजिएगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि हार को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है, आज इनकार की सूरत ही नहीं कोई, हार हीरो का नहीं फूलों की जयमाला है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी हैं बाकी। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है बरसातें अभी है बाकी, तो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। समझ में नहीं आ रहा, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। आइए बड़े भैया गीत दे रही हूं अपनी ओर से, कहना है या। जब माता सती अनुसुईया अपने आश्रम में है, अचानक तीन साधु आ गए माता सती अनुसुईया की परीक्षा के लिए, वो साधारण साधु नहीं है। जब माता ने देखा क्या, माता ने देखा कहने लगी, जब तीन साधु बनकर आ गए तो माता से जो निवेदन किया, माँ हम अपनी इच्छा का भोजन करेंगे, माता ने ध्यान लगाया और कहने लगी क्या, कि नग्न हो कर के अगर आप कुछ खिलाएंगे तो खाएंगे प्रेम से, देवी आज खाना है तो ध्यान पति देव का अनसुईया ने लगा, सब भेद पल में जाना है। माँ विचार करने लगी, सोच रही है माता सती अनुसुईया, ये चाल चल चुके हैं, ये
ये चाल चल चुके हैं, मुझे चलना अभी है बाकी। माता सती अनुसुईया सोच रही है, तीन साधु जो बनकर आए हैं ये अपनी चाल चल चुके हैं। ये चाल चल चुके हैं, मुझे चलना अभी है बाकी। ये सबको पालते हैं, ये सबको पालते हैं, फिर खुद पलना भी है बाकी। कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है, कोई भी बात चाहे वो मेरी हो चाहे मेरे बड़े भैया मुकेश भैया की हो, अगर अच्छी लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद चाहेंगे, क्योंकि ये तालियां सबसे बड़ा पुरस्कार होते हैं, कलाकार केवल तालियों का भूखा होता है। कहना है माता सीता जब रामा दल में शाह सम्मान आ गई, विभीषण जी ने शाह सम्मान माता सीता को भेज दिया, क्या बात है, तो श्री राम ने कह दिया माता जानकी की अग्नि परीक्षा होगी, सभी भानर भालू परेशान है। और इस बात का इशारा मानस ने भी कर दिया, बड़े भैया मुकेश भैया। माता जानकी कहने लगी, लक्ष्मण हो धर्म के नेही, पावक प्रकट करो तुम ते ही। जब माता जानकी की इतनी बात सुनी तो माता सोचने लगी, क्या जब अपने उस सभा को देखा, बड़ा विकल देखा, तो माता सोच रही है विष्णु जी के रूप स्वयं ब्रज श्रीमान जी, छल चुके हैं, मुझे छलना अभी है बाकी। तो मैं इतनी जल चुकी हूँ, मैं इतनी जल चुकी हूँ, तो कुछ जलना अभी है बाकी।
सकती हैं। क्या कि माया से छाया की कैसे होगी समीक्षा है, कि माया से छाया की कैसे होगी समीक्षा है, ये दोनों लेते परीक्षा 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 है। विष्णु महेश ब्रह्मा जी अलग हो गए, हट गए, तो उधर प्रभु श्री राम बनकर आ गए, भगवान नारायण और हनुमान जी बनकर आ गए भोलेनाथ। शाबाश। आइए द्वापर युग में देखते हैं, वही राम कन्हैया बनकर आ गए, लीला रचने लगे। भगवान कन्हैया की तबीयत खराब है, नाना प्रकार से उपचार हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अचानक आगमन हुआ ऋषिवर का, माता ने पूछा मेरी लल्ला की तबीयत खराब है, हे ऋषिवर कोई उपाय बताइए। ऋषिवर ने उपाय बताया, कहा मैया उपाय कठिन है। राधा रानी कहने लगी, हे ऋषिवर कितना भी कठिन उपाय हो हमें बताइए, हम जरूर करेंगी। सारी गोपिकाएं कहने लगी, तो ऋषिवर ने बताया सारी गोपिकाएं से अपना अपना एक एक वाल तोड़ लीजिए और उस वाल को आपस में मिलाइए, एक डोरी तैयार करिए और यमुना के इस नदी से इस किनारे से उस किनारे तक बांध दीजिए, पुल बना लीजिए उस वाल का। जब वाल का पुल बन जाएगा, 1000 छिद्रों वाली कलसी में जल भरकर लाना है आपको उस पुल से, उस पुल के ऊपर से लाना है। तो राधा रानी सोचने लगी, बड़ी विचित्र बात है, आखिर इस बाल के पुल में दम कितनी है, कितनी ताकत है। सोचने लगी राधा रानी, सोचने लगी ये भी प्रभु की लीला है। शाबाश। तो कहना पड़ा क्या, छेद वाली मटकी में जल लाना दुश्वार है। हमारे मंचासीन, हमारे भैया, हमारे भतीजे साहब मुकेश आजाद और छोटा छोटे भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए, कहना है छेद वाली मटकी में जल लाना दुश्वार है, कितने बदल गए हैं, कुछ बदलना अभी है बाकी, चाहे जितने संभल गए हो कुछ संभलना अभी है बाकी, तो शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है, शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, कन्हैया अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते।
परीक्षाएं आइए कलयुग में बंद मिला। और इसी श्रृंखला में हमारे सम्मानीय बड़े भैया यानी भतीजे साहब उम्र में बड़े हैं लेकिन पद में मैं बड़ी। भैया श्री मुकेश आजाद आपके करकमलों से 101 पद मुद्राएं और ये पुष्पहार प्रदान हुआ है। आप पूनम आजाद मंडल के संचालक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता भवानी सदैव आपके अंग संग रहे ऐसी शुभकामनाएं हैं। आइए एक बंद मिला। फ्रांस की महारानी रिचार्ड राजा को रानी के चरित्र पर संदेह हो गया। जब संदेह हो गया तो राजा ने सारी सभा में रानी को बुलाया, कहा रानी अगर आप चरित्रवान हैं तो इस सभा के सामने आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। रानी सोच रही है, बड़ी अचंभित हो गई। राजा ने आदेश दे दिया, आप मोम का गाउन पहनकर अग्नि में से प्रवेश करिए, ये सारी सभा आपकी साक्षी बनेगी। शाबाश। तो रानी सोच रही है, अपने पति को मैंने परमेश्वर माना, मुकेश भैया सबको पर गौर करिए, विशेष बात चल रही है। अपने पति को मैंने परमेश्वर माना, चंद्रमा ने वो ही मुझको चाहे आज माना, चाहे आज माना, चाहे आज माना, चाहे आज माना। हर विपता टल चुकी है कुछ टलना अभी है बाकी, तो कुछ रात ढल चुकी है, कुछ ढलना अभी है बाकी। और रानी निकल गई, जब निकल गई उस अग्नि परीक्षा में तो रानी के सत्य के कारण उस मोम का भी रंग रूप नहीं बदला। जब रंग रूप नहीं बदला तो रानी सोच रही क्या, हर विपता टल चुकी है, कुछ टलना अभी है बाकी, कुछ रात ढल चुकी है, कुछ ढलना अभी है बाकी। तो चम 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 के चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, चम 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 के चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, आज मेरी अग्नि परीक्षा 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 है। उठाकर माता रानी का जोरदार जयकारा लगाइए आप लोग। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। हेलो, सुना भी आप लोगों ने? सुना बेटे, बहुत प्यारा गाना बजाना आदरणीय नीलम जी के द्वारा।
बहुत प्यारा जवाब दिया है। वाह, चूंकि समय उतना ही है। हाँ बेटे, और उस समय का सदुपयोग करते हुए बिल्कुल सीधा चलते हैं जवाब की ओर। चलो बेटे। फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से आपने टुकड़ा दिया। हाँ, कौन सा? लोगों ने सर्द हवाओं से लगा रखी है। शायद कोई आ जाए मुझसे भी ज्यादा प्यासा। वाह, बस इसी वास्ते थोड़ी सी बचा रखी है। बचाए रखो। बहुत प्यारा गीत आपने दिया है। हार को जीत बनाकर से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का सर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई। हार हीरों का नहीं, कुछ बातें हो चुकी समझ गए होंगे। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछारिक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। तो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। गीत कह रहा है लेते तीनों परीक्षा है, लेते दोनों परीक्षा है, लेते अकेले परीक्षा है। इस प्रकार से क्रमबद्ध गीत आ रहा है। आपके प्यारे से गीत को बार बार नमन करता हूं। जय हो। क्योंकि गीत जब अच्छी दिशा से आता है तो गीत को प्रणाम ही किया जाता है। प्रयास देखिए नीलम जी, शायद हम बच्चे उस जगह पहुंच जाएं। वाह, आपके गीत में तीनों देवता माता अनुसुईया की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन देखिए जब अनुसुईया माता के दरबार में आए तो माता अनुसुईया लौट के उन तीनों की परीक्षा ले रही। वाह, सुनिएगा कैसे ले रही। कैसे माता अनुसुईया ने जो ही उन्होंने शर्त रखी कि माता मुझे नग्न अवस्था में भोजन कराइए,
तो उस समय माता अनुसुईया देखिए कहती क्या क्या बने। कई बार मिल चुके हो पति के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और जब अपनी भक्ति को लगा दिया उनको छोटे छोटे बालक बना लिए। बालक बनने के बावजूद तीनों देवियां अपने पति को मांगने के लिए जब आई वो भी इसी बात को कह रही हैं। क्या बड़े है? कई बार मिल चुके हो कुछ मिलना अभी है बाकी और हे माता अनुसुईया कई फूल खिल चुके हैं कुछ खिलना भी है बाकी। समस्या तीनों देवियों के सामने है कि तीनों दिखते एक ही रूप पहचान नहीं पा रही कौन मेरा पति है कौन तुम्हारा पति है। सोच रही है गलती से कहीं अदल बदल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा इसलिए सुनिएगा सुनिए ये तीनों दिखते के रूप क्या प्रभु की इच्छा है। तीनों दिखते के रूप क्या प्रभु की इच्छा है तो तीनों वो तीनों देवियों की तीनों की लेती परीक्षा है तीनों की लेती परीक्षा तीनों की लेती परीक्षा है तीनों की लेती परीक्षा है तीनों की लेती परीक्षा है तीनों की लेती परीक्षा है। आज माता अनुसुईया तीनों देवियों की परीक्षा ले रही है ये तीनों अपने पतियों को पहचान पाती है। बार बार अनुनय विनय करने के बाद उनको उनके पति मिले लेकिन देखिए आगे हुआ क्या क्या बने त्रेता युग में देखिए सूर्पनखा कहने लगी भगवान राम को देख के क्या बने देखा तो देखती ही रह गई और कहती है कि तुम सब पुरुष ना मौसम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी वंदना करती है कि आप मुझे वरण कर लीजिए और कहती क्या है क्या क्या बोले बार बार आपके रूप पे बार बार मैं जाऊं बलिहारी कुछ जख्म सिल चुके हैं कुछ सिलना भी है बाकी कुछ दिल में हिल चुके हैं कुछ हिलना भी है बाकी कुछ ये मेरा दिल धड़क चुका है और कुछ धड़कना बाकी है आप क्या बने मतलब कुछ हिलना बाकी है इस
के कहती है सूप न खा। क्या क्या बोले? रूपवती गुण लकी, रूपवती गुणवती को लक क्यों करे अनिच्छा है। अरे मैं रूपवती भी हूँ, गुणवती भी हूँ, फिर भी मुझे क्यों ठुकरा रहे हो? रूपवती गुणवती को लक क्यों करे अनिच्छा है। तो लेती तो लेती, लेती दोनों की परीक्षा है। वो सूप न खा लक्ष्मण से भी इसी बात को कहती है, भगवान राम से भी इसी बात को कहती है। तो लेती अरे लेती दोनों की परीक्षा है, 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 लेती दोनों की परीक्षा है। देखिए माता अनसुईया लेती तीनों की परीक्षा है, और यहाँ पे सूर्पनखा लेती दोनों की परीक्षा है। वाह वाह बेटे, ये भक्ति की परीक्षा। देखिए अब देखिए द्वापर युग में आते हैं। एक राजा हुए हैं जिन्होंने अपने ही कुलगुरु से एक फल प्राप्त किया, और वो फल जाके अपनी प्राण प्यारी रानी को दे दिया। चूंकि रानियां दो थीं, इसलिए रानियों में इतना प्रेम था कि दोनों बहनों ने फल को काट के खा लिया, और जब काट काट कर खा लिया तो दोनों रानियों के आधे आधे बच्चे पैदा हुए। क्योंकि फल कट चुका था तो उसका फल भी आधा आधा मिला। तो देखिए होता क्या, क्या बोले? राजा ने दोनों टुकड़े बन पिटवाए, उसे जवान बना सकती थी। उसने चिपका दिए, और जब चिपका दिए तो देखिए पुत्र जिंदा हो गया। होता क्या, क्या अपनी शक्ति के द्वारा वो टुकड़े चिपकाए। कहने लगी वो जरा नाम की राक्षसी, कुछ बात बन चुकी है, कुछ बनना भी है बाकी। अरे कुछ हाथ मल चुके हैं, कुछ मलना भी है बाकी। क्योंकि राजा तो इन टुकड़ों से हाथ मल चुका था, उसने तो फिकवा दिए, मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन इस बनाए हुए राजकुमार के द्वारा कई वीर अपने हाथ मलते रह जाएं, इसलिए सुनिएगा। सुने लगता है ये रचना भी विधि की इच्छा है। अरे लगता है ये रचना भी विधना की इच्छा है, अकेली क्या बपड़े
सीखा है इससे ये बच्चा चिपकता है कि नहीं चिपकता है। और जब उसने अपनी ही परीक्षा ली उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुई। अब देखिए कलयुग में दुनिया है जानती भर जाना चाहिए और अगर नहीं भरा तो मार मार के उनकी खाल उधेड़ देता था। देखे हुआ गया क्या बने? उसने भगवान से प्रार्थना की, अरे कुंड भरे कर तेल से सारा, क्या बात बने? ये कुंड भरे प्रभु तेल से सारा, दिल में ऐसा ठानी थी। और जब सच्चे मन से प्रार्थना की, देखे हुआ गया क्या? उछल चुका है, कुछ उछलना भी है बाकी। भक्ति में मचल चुका है, कुछ मचलना भी है बाकी। तो भक्ति की भक्ति परीक्षा, भक्ति की पूर्ण परीक्षा की प्रभु ने वो परीक्षा है। भक्ति की परीक्षा है उसको पूर्ण कर दिया प्रभु ने, और रात ही रात में वो तेल का कुंड भरा हुआ मिला। देखिए हुआ क्या? आखिर ये परीक्षा किस चीज की है? रात ही रात में देखो, रात ही रात में देखो कि वो पूर्ण परीक्षा है। आज ये भक्ति परीक्षा है, आज ये भक्ति परीक्षा।